उसका जवाब लेंगे। सर ने हम लोगों को जीडीपी नहीं बताया। आप कहना चाह रहे कि 24 में हमारी मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप अपने पद पे बने रहने के लिए इधर उधर आप नहीं करेंगे, फिर से पार्टी नहीं बदलेंगे और बिहार की तरह देश का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे? आप कहते 20 लाख दे देंगे 2 साल में, जिसे कहावत में कहते हैं ना, बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और घंटी के निशान को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे ऐसे नॉलेजेबल और सोशल अवेयरनेस की वीडियो आपके और देश के सामने आती रहे। जय हिंद। आप कहना चाह रहे कि 24 में हमारी मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार, इसकी क्या गारंटी है कि आप अपने पद पर बने रहने के लिए इधर उधर आप नहीं करेंगे, फिर से पार्टी नहीं बदलेंगे और बिहार की तरह देश का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे? सर, हर साल बिहार में बाढ़ आती है। पूरी बात सुनिए, हर साल बिहार में बाढ़ आती है और हर साल सर लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। आप छोटे छोटे सर बांध वो बालू का वो बोरी लगाकर उसमें लगा देते हो, सर परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढते, इस वजह से बिहार में इंडस्ट्री नहीं बैठ रही है और वहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी संकट है। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहला तो रोज इस पे इंडस्ट्री पे बता दूं, सबसे ज्यादा एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने वाला राज्य बिहार बन गया। दूसरा आपका प्रश्न जो था अंजना जी, कौन था अभी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कौन था ये फंस गया सर जिन्होंने ये एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कौन था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दो। उसका जवाब लेंगे। सर ने हम लोगों को जीडीपी नहीं बताया, लेकिन इसका जवाब आप देंगे। आप इथेनॉल की फैक्ट्री अभी जो लगी है ये किसने लगवाई है? कौन है था इंडस्ट्रीज मिनिस्टर? नहीं, शाहनवाज जी मंत्री थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन और सवाल इथेनॉल का परसेंटेज किसने बढ़ाया? इसमें 1% था, अब 20% से बोलिए सुधांशु जी, ये तिलिस्म आपका टूटेगा, ये भ्रम आपका छूटेगा। एथेनॉल का परसेंटेज तो हमने टूटेगा, ये भ्रम आपका छूटेगा। ठीक है, अगला सवाल, दो तीन सवाल ले लेते हैं, इसका जवाब देखिए। आज तक किसी भी गठबंधन वाली सरकार ने 5 साल सफलतापूर्वक पूरे नहीं किए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज तक के आपके जो मंत्री हैं 10वीं फेल, वो 5 साल में सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करेंगे और परिवर्तन लाके दिखाएंगे? क्यों लगता है आपको ऐसा? अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। दो तीन सवाल ले लेते हैं एक साथ। सर, आपने कोई बीजेपी से यहाँ सवाल पूछने वाला है? आइए, आप लोग भी आइए, इधर आइए। सर, आपने जैसा कहा कि जो एजुकेशन की बात हो रही थी कि डिग्री जो है 3 साल की वो 6 साल में मिलती है, तो उस टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। सर, 15 साल तो आप लोगों ने भी राज किया है, उस टाइम क्या था? सर, आपके अकॉर्डिंग बस उसका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए जवाब नहीं देंगे। अरे पागल भाई, ये हम तो इसलिए कर रहे हैं, ये बीजेपी की भाषा बोले तो हम इसलिए। ठीक है, दो तीन सवाल ले लेते हैं एक साथ के बाद, जल्दी से। सर, आपके अकॉर्डिंग अभी जो लाठी वगैरह जो आपने बोला बिहार में, वो आपकी जीत है, तो आप जीतने के बाद वो पकौड़ा तलने के लिए अगर बोल रहे हो कि आप वो पकौड़ा तल के जॉब देंगे, तो आप क्या हमें लाठी मारवा की वाली जॉब देने वाले हैं? वो पकौड़े तलने को कहते हैं, आप लाठी चलाइएगा। मेरा सवाल ये है कि जो आप लोग सब लोग नीतियों की बात कर रहे हैं, इससे बीजेपी भी पहले कांग्रेस सरकार थी, सबने इतने वादे किए लेकिन कोई भी सरकार ने कुछ करके नहीं दिखाया। गूगल पे आंकड़े देखते हैं, वही बेरोजगारी वही बढ़ती जा रही है वो। पर ये बताओ कि ये नीतियाँ है क्या जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? 5 साल सुधांशु जी, देखिए इन्होंने जो बात कही, बेरोजगारी चरम पर, ये सवाल है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूँ। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ तो हम पे ये आरोप है कि बीजेपी अपना एजेंडा लागू करती चली जा रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया वो कर नहीं रही। तो दो में से एक आरोप वापस लेना पड़ेगा ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम अपना एजेंडा भी लागू कर रहे हैं, हम अपना विवेक। अब मैं उस पर भी आ रहा हूँ, जहां तक रोजगार की बात है, रुको जरा, सबर करो। 10 लाख नौकरी देंगे, हैं? तब नीतीश जी कहे थे दिया ही नहीं जा सकता, मैं मुख्यमंत्री हो कह रहा हूँ, अब कहते 20 लाख दिया जा सकता है। अब सुनिए, जानते क्या था, थोड़ा जवान फिसल गई थी तेजस्वी जी की, वो 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख में नौकरी देंगे वो मोदी जी के जवान फिसल गए। और नौकरी देंगे इसके अलावा, 15 लाख जेब में आएगा, उसका जवाब दीजिए। भाई ये राजद का प्रवक्ता है कि जदयू का प्रवक्ता है? ये राजद का प्रवक्ता है, जदयू के, राजद की सरकार रही 15 साल और 1 लाख रोजगार नहीं दिए, अब कहते 20 लाख दे देंगे 2 साल में, जिसे कहावत में कहते हैं ना, बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।
थोड़ा सम्मान दीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।